उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दी चुनौती, कहा सब कुछ चुरा सकते हो, ठाकरे चुरा नहीं सकते, चुराया हुआ धनुष बाण लेकर मैदान में आओ और मैं मशाल लेकर चुनाव में उतरता हूँ, देखता हूँ जनता किसे चुनेगी। छाती पर धनुष बाण लगाओगे तो भी माथे पर चोर ही लिखा होगा, ठाकरे ने शिंदे पर किया जोरदार हमला। शिवसेना ने सभी विधायकों के लिए जारी किए व्हीप, दो हफ्ते बाद कार्रवाई का इशारा, ठाकरे के विधायक हो सकते हैं बर्खास्त। मुंबई पुलिस ने होली से पहले जारी किए दिशा निर्देश, सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द नारे लगाना, पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी रंग या पाउडर छिड़कने पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा सांसद राजन विचारे का आरोप, शिंदे की पार्टी हड़प रही शाखाएं, विधान भवन पर भी शिंदे गुट का कब्जा। राज्य की राजनीति में कीचड़, 22 तारीख को सिनेमा दिखाऊंगा, गुड़ी पाड़वा के दिन शिवसेना फूट पर बोलने का राज ठाकरे ने दिया संकेत। भाजपा को रोकने के लिए फडणवीस और महाजन को गिरफ्तार करने की थी प्लानिंग, उद्धव ठाकरे के षड्यंत्र का मैं गवाह हूं, शिंदे का सनसनीखेज दावा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई में आम आदमी पार्टी आक्रमक, सीएसएमटी में भाजपा के खिलाफ आंदोलन, कई हिरासत में लिए गए सिसोदिया, 4 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में। कांदिवली में आरटीओ ने बस ड्राइवर से लाइसेंस मांगा तो ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत, घटना से सनसनी। संजय राउत और शिंदे गुट के संजय सिरसाठ के बीच हुई मुलाकात, वर्ली सीलिंग पर हुई मुलाकात से राजनीतिक हलचल तेज। नारा सपारा में पैसों के लेन देन को लेकर युवक ने की अपने दोस्त की हत्या, शराब पीने के बाद हुआ था विवाद, दो आरोपी गिरफ्तार। मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, आईपीएल से बाहर हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने पर सभागृह में हंगामा, भास्कर जाधव ने बोलने नहीं देने का लगाया आरोप, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। सरफराज मेमन मुंबई पहुंच गया है, चीन और पाकिस्तान में ली है ट्रेनिंग, एनआईए ने पुलिस को किया अलर्ट। वीप आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठाकरे गुट के सुनील प्रभु की चेतावनी, वीप को अहमियत नहीं देते भास्कर जाधव आक्रमक। क्या बीजेपी में सभी संत हैं, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, कहा विपक्ष चुप नहीं बैठेगी। मैं अब सामना या मामिक नहीं पढ़ता, उसमें पहले जैसी बात नहीं, राज ठाकरे का छल का दर्द। महाराष्ट्र में साल बोर्ड के रिजल्ट्स में होगी देरी, शिक्षकों के बहिष्कार आंदोलन का असर। कांदिवली में खेल रही 5 साल की बच्ची किडनैप, 5 टीमें खोजने में लगी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दाऊद के साथ रिश्ते रखने वालों का चाय पार्टी में नहीं आना अच्छी बात है, एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर किया हमला। शहर के बाद अब जिले का नाम भी संभाजीनगर और धराशिव, जिला नगर परिषद ने दिया नाम बदलने का आदेश। मुख्यमंत्री शिंदे ने कस्बा में पैसे बांटे, कांग्रेस उम्मीदवार धांगेकर ने लगाया आरोप, मामला दर्ज करने की मांग। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 56,020 रुपए तोला, वही चांदी 66,800 रुपए किलो। सेंसेक्स 7 दिन में 2000 अंक लुढ़का, लोगों के 10.22 लाख करोड़ साफ। पहले मंत्री पद छीनने की कोशिश, अब नितिन गडकरी को साइडलाइन कर रही है बीजेपी, उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का दावा।